थाना क्षेत्र कविनगर में विगत दिनों एक व्यक्ति राहुल सिंह के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जिसके क्रम में उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा मुखबिरों की सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में संलिप्त कुछ युवक थाना क्षेत्र में ही विचरण कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना क्षेत्र कविनगर में विभिन्न जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी क्रम में NDRF रोड के पास स्कूटी सवार दो युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें वहां पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने का इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रुकते हुए उपस्थित पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसने पूछताछ में अपना नाम मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल बताया है तथा इसने इस घटना में अपने घटना कारित करना स्वीकार किया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि पैसों को लेकर हो रहे विवाद में उसने उक्त घटना को कारित किया है। इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां ये उपचाराधीन है। एक अन्य बदमाश जो स्कूटी पे पीछे बैठा था, उसका नाम विक्की ज्ञात हुआ है तथा ये भागने में सफल हो गया है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।